यह आपका चाय और यह आपका फेवरेट रसगुल्ला। वाह रसगुल्ला, कमिश्नर की एक्टिंग करने का कुछ तो फायदा मिला। पहला हम चाय का लुफ्त उठाएगा। ए, ऐसा क्या देख रहा है, ये क्यों छे? नहीं बस अचानक एकदम तुम में इतना चेंज आ गया ना, तो बिलीव नहीं हो रहा है कि मार्केट में ऐसा कौन सा दवाई आया है जो हस्बैंड को एक ही दिन में ट्रिपल एस बना दे। ट्रिपल एस? सिंगम, सिम्बा, सूर्यवंशी। बाप रे, ये अबड़ खबड़ हो रहा है। कभी कभी हस्बैंड में रोहित शेट्टी वाला एक्शन होना चाहिए। आपको नहीं पता आप इसमें कितने क्यूट लग रहे हो। क्यूट? हम अच्छा, आपका फेवरेट? हाँ हमारा फेवरेट रसगुल्ला। अभी अभी खाने का टाइम नहीं है। किस चीज का टाइम है? एक को सरप्राइज लेके आया है। सरप्राइज? हाँ देखना है। हाँ तो पहले आंखें बंद करो। हाँ फिर गायब। अबे बिल्लू, अबे तू कैसा आदमी है बे? चार लीटर पानी पी गया फिर भी तुझे कोई प्रेशर नहीं? हमारा स्टैमिना बहुत बड़ा है, हम और 8 लीटर पानी पी सकता है। अबे बेवकूफो, नक्शा चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए ना, तो पानी तो पिलाओ। अबे एक नोट बड़ी मुश्किल से छुपा के रखा था मैंने, अबे लगा दो इसको भी धंधे में, जल्दी जाओ। और पुलिस से बच के जाना आपकी बात। पानी आग फोड़ दे तू मेरा राक्षस आदमी, ठीक से लगाओ ना। अरे ये क्या है? पानी का बोतल सर। पानी का बोतल हम भी देख रहे हैं। कमिश्नर साहब का मिनरल वाटर किधर है? फ्रेश वाटर आ रहा है, आ रहा है सर। हेलो, हम कमिश्नर विक्रम घोष बोल रहा है। जैन सर, जैन सर, सर आप ही को फोन करने वाला था सर। सर लेकिन ये नंबर आपका नहीं है सर, किसका नंबर है सर? अच्छा सुनो, हमारा मोबाइल का बैटरी डाउन हो गया है। मोबाइल बंद हो गया है इसलिए दूसरे को फोन से फोन किया तुमको। अच्छा सुनो, हमारे बीबी का तबियत गड़बड़ हो गया है, खराब हो गया है, तो हम आज आ नहीं सकता है। तुम प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल कर दो। जी सर कोई बात नहीं, अब मैं अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल करवा देता हूँ, लेकिन आप मैडम का ध्यान रखिए सर। हाँ कोई भी जरूरत हो तो मुझे कॉल कीजिएगा सर, मैं आ जाऊंगा सर। रखता हूँ। ओके सर, जय हिंद सर, जय हिंद सर। हाँ जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। क्या हुआ सर? प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल। बहुत अच्छा सर। क्या? बहुत खराब सर, बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल हो गया। कोई बात नहीं, ये सारा सामान ना हम समेटवा के रखवा देते हैं। समेटो ना जी। सर वो समोसा का क्या करें जो प्रेस वाला बंधु लोग के लिए मंगाए थे? आधा हमारी गाड़ी में भेज दो और आधा वापस भिजवा दो। ठीक। अरे ये बाप रे, ए बिल्लू आज तेरी इज्जत लुट्टी लुट्टी बच गई, नहीं तो तू किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं बचता। बिल्लू कुछ दिनों के लिए कहीं भाग जा वरना ये हमला फिर से हो सकता है। क्या खुसरू खुसरू करता है, ऐसा क्या देखता है? हम कमिश्नर विक्रम घोष, क्या पॉकेट से क्या निकलता है? आधार कार्ड। हेलो, हम बोल रहे हैं जी। हम कौन बोल रहे हैं? अरे हम
शोभना घोष आपके कमिश्नर का पत्नी? जी जी मैम, जी मैम। अरे कमिश्नर साहब की वाइफ का फोन है। नमस्कार मैम, नमस्कार मैम। बोलिए मैम, मैम आपकी तबीयत ठीक है ना मैम? मतलब आप हॉस्पिटल में हैं या घर पे हैं? अगर कोई जरूरत हो तो मैं आ जाऊं, नहीं किसी को भिजवाऊं मैम, हैं? कैसी बातें करते हैं आप, हमको क्या होगा, हम तो भला चंगा है, हम क्यों अस्पताल जाएगा? हमने तो कमिश्नर साहब से बात कराने के लिए फोन किया आपको, हमको आंख बंद करके बोल के खुद गायब हो गया, अब तो फोन भी नहीं उठा रहे। मैम बस बस हम उन्हीं का इंतजार कर रहे हैं, वो जैसे ही आते हैं ना हम आपसे बात करवाते हैं मैम। जी जी नमस्कार मैम। नमस्ते नमस्ते। क्या हो गया सर? अरे वो क्या गया, किसी ने हमारे साथ घटिया मजाक किया है। ये प्रैंक करने वाले हैं ना, इनका इनका हौसला दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है, इनका तो कुछ करना होगा। क्या हो गया सर ऐसा? मतलब हुआ कुछ नहीं, प्रेस वार्ता कैंसिल नहीं हुई है, प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। अबे ये कौन है? अरे उस्ताद ये तो बाहर घूम रहा था, हमको लगा कि ये बिलुआ फरार हो गया, इसे पकड़ के ले आए, लेकिन सच रहे तो डुप्लीकेट निकला हम सकल। अगर ई बिलुआ है तो ई कौन है जिसको हम उठा के ले आए? तुमको पोता है? अरे पोता कहां से हो गया, जब बियाह नहीं हुआ है तो। ए गोंडा ग्वाल, पोता मतलब मालूम तुमको पोता नहीं है, तुमने तुम्हारे पिताजी को इधर पकड़ के लाया है। हम कमिश्नर विक्रम घोष, लगा देगा ठिकाने तुम्हारे होश, ये कमीना झूठ बोल रहा है। हम कमिश्नर विक्रम घोष, ये बिल्लू चोर है। हम चोर नहीं है, हम बिल्लू नहीं है, हम कमिश्नर विक्रम घोष है, हम विक्रम घोष है, हम है। अबे चुप, बिल्कुल चुप। देखो हमको जो है ना बिलवा चाहिए, और उस बिलवा से हमें नक्शा चाहिए, और अब तुम दोनों में से बिलवा कौन है मुझे जल्दी जल्दी से बताओ, वरना जो है ना हम तुम दोनों की खोपड़ी उड़ा देंगे। क्या बिलवा है? तुम बिलवा है, हम विक्रम घोष है, तुम बिलवा है, हम विक्रम घोष है, हम है। चुप, शट अप। अबे इसको भी बांध दो, ये तुम अच्छा नहीं कर रहा है। देखो हमारी सब्र की परीक्षा मत लो, अगर हमारा संयम खो गया ना तुम दोनों को यही मार देंगे हम। बिल्लू बताओ तुम दोनों में से बिल्लू कौन है? कितनी बार बताएगा इडियट, यह बिल्लू है। मतलब दोनों एक साथ हैं? अच्छा सपोज तुम मान लो कि हम दोनों में से बिल्लू चंपत कौन है, ये तुमको पता चल जाएगा तो तुम क्या करेगा? करेंगे क्या, उससे हम अपना नक्शा निकलवाएंगे और क्या करेंगे। अच्छा खजाने का नक्शा मिल गया, फिर क्या? उसको ऊपर पहुंचा के हम अपने रास्ते डाकू मंगल सिंह। मतलब जान से मरेगा? बिल्कुल। किधर मरेगा? किधर मतलब? वेरी गुड बिल्लू, कम ऑन। इधर इस खाली हवेली में मारेगा, खाली हवेली, ये गुलमोहर तालाब के पास है, और लकड़ी वाला पुल ऐसा उतर के एकदम राइट मोड़ लेगा तो ये खाली हवेली आता है, उधर तुम मरेगा। अरे क्या फर्क पड़ता कहां तुम निकला, हमको सिर्फ नक्शा दे। चलिए चलिए नक्शा ले लो, कौन मना कर रहा है, या आपके सामने बिल्लू है ले लो। हम बिल्लू नहीं है, तुम बिल्लू है। हम बिल्लू नहीं है, ये कमीना इसको मानेगा नहीं। डाकू मंगल सिंह एक मिनट के लिए हमको छोड़ दो, इस कमीने का हमको गोला दबाना है। गोला दबाना है? अरे गला गला बोल रहा होगा। हाँ चीता चतुर्वेदी, अभी तक कमिश्नर साहब नहीं आए, लोग आने शुरू हो गए। सबको लगता है मैडम जरूर उनको लेकर आती ही होंगी, रास्ते में ही होंगे वो लोग। बैठिए ना सर, आप बैठिए तब तक इतना से। अरे क्या कर रही है?
कहा था साइलेंट करके आइए, बंद कीजिए, निकाल कर, 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 से? अरे कौन है, कैसे साइलेंट पे करते, देखो अच्छा बोला नहीं कि डीएसपी सर का फोन है, क्या करें? ओके जय हिंद सर। हाँ सर, हम आपको फोन करने ही वाले थे। हाँ हाँ, हम आप यही बताना चाहते कि हम पहुंच चुके हैं, मान लीजिए कि वो बिल्कुल हमारे सामने। अरे वाह 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 वाह, तो आप लोग हैं वो महिला पुलिस अधिकारी जो हमारी तलाश में पूरा शहर छान रही थी। अरे आप लोग तो बहुत नसीब वाली हैं। अरे जिस मंगल सिंह को 14 वर्षों से 14 राज्यों की पुलिस नहीं ढूंढ पाई, और आप लोग तो सामने खड़े हैं, वो भी साक्षात। तो अब आप जल्दी से बताओ कि इन दोनों में से बिल्लू चंपत कौन है? क्या देख रहा है, यह बिल्लू चंपत है, हम कमिश्नर विक्रम घोष है। तुम लुच्चा बिल्लू है, हम कमिश्नर विक्रम घोष। अबे बस करो बे, बहुत मजाक बना के रखा है तुम लोगों ने, हैं? अब जो है ना, इस मंगल सिंह का संयम खत्म। अब तुम दोनों ने एक मिनट में नहीं बताया कि तुम दोनों में से बिल्लू चंपत कौन है, तो हमें हमारी मैया की कसम, तुम दोनों का नाम हम खोपड़ी खाली कर देंगे। जही हम दोनों को गोली कैसे मारेगा, हम कमिश्नर है विक्रम घोष, ये लुच्चा कमीना मानुष है बिल्लू, हम कमिश्नर है, गान उधर रखो। अरे मैं कमिश्नर हूँ, उधर वो है गान उधर। पुष्पा एक ही गोली थी, वो भी खाली गवा जी, तो गोलियां किस गन में है? कुछ नहीं होगा, चलो चुपचाप निकला से, बस बहुत हो गया नाटक, एफिशिएंट है ये, ए बस करो, बहुत हो गया ये, ए चल चल इधर आ, इधर आ और सीधी खड़ी रहे, और तुम लोग जल्दी से बताओ इसमें से बिल्लू चंपत कौन है, वरना इस बुढ़िया की खोपड़ी उड़ा दूंगा मैं। मैं हूं बिल्लू चंपत। ए मंगल सिंह, मेरी माँ को अभी के अभी छोड़ दे, नहीं तो मैं तेरा अमंगल कर दूंगा, छोड़ दे मेरी माँ को, माँ। बोल जल्दी बता, नक्शा कहाँ है? खा गया। नक्शा खा गया? पेट में है तो गोली खा ले। लेकिन नक्शा मुझे याद है, मैं जानता हूँ खजाना कहाँ है, मैं जानता हूँ। बता बता जल्दी बोल। खजाना हमारे गांव के बीचों बीच एक बरगद का पेड़ है। बरगद के पेड़ के नीचे? पूरा सुनो, अभी पूरा हुआ नहीं है, इधर आओ। अरे पूरा तो सुन लो पहले। आगे बताइए, जल्दी आगे बताइए। बरगद का पेड़, फिर जामुन का पेड़, उसके बीच में खजाना गड़ा है। जामुन का पेड़ और उसके बीच में खजाना, वाह वाह वाह, बरगद का पेड़। कॉन्फ्रेंस में पहुंचने के लिए हमारे पास सिर्फ 7 मिनट बचा है। हम कभी भी किधर भी लेट नहीं पहुंचा है, यह हमारा रिकॉर्ड है। अभी ये तुम्हारा जिम्मेदारी है कॉन्फ्रेंस में एकदम टाइम पे पहुंचाने का, हमको समझा? जी सर, चलिए बिल्लू, ये तुम्हारा, चलिए जल्दी जल्दी, 7 सेकंड में पहुंचाएंगे आप। बिल्लू संभाल, मंगल सर कब तक आएंगे और कितना इंतजार करना होगा हमें? बस आते ही होंगे, आ जाएंगे। छह
निशिता चतुर्वेदी। जी सर। बस बहुत हो गया, समय बहुत सारा निकल गया है। मुझे नहीं लगता है कमिश्नर साहब और हसीना मलिक लोग आएंगे। प्रेस वार्ता कैंसिल कर दो। सर हम क्या कहते हैं कि 5 मिनट और इंतजार कर लेते हैं। अगर वो नहीं, क्या कहा? ठीक है सर, हम करते हैं। देखिए, बड़ा दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि कुछ निजी कारणों की वजह से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू किया जाए। क्योंकि कमिश्नर साहब आ गए। आइए सर। सिट डाउन। तो ठीक है, हम प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करते हैं। सर दो शब्द। लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारा पिताजी कहता था क्योंकि जिसको टाइम का वैल्यू नहीं उसको लाइफ का वैल्यू नहीं। हम टाइम का एकदम पंक्चुअल, इधर भी आता है जाता है तो एकदम टाइम के हिसाब से जाता है। यह हमारा रिकॉर्ड है। यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुँचने के लिए जो हमारा टाइम था उसके लिए आज का हमारा रिकॉर्ड टूटने वाला था। हम आज कुछ ऐसा परिस्थिति में फंस गया था जहाँ से हम टाइम पर आना तो दूर, हम इस दुनिया में रहेगा नहीं रहेगा इसका भी गारंटी नहीं था। हम आज कुछ ऐसा परिस्थिति में फंस गया था जहाँ से हम टाइम पर आना तो दूर, हम इस दुनिया में रहेगा नहीं रहेगा इसका भी गारंटी नहीं था। लेकिन हम इधर प्रेस कॉन्फ्रेंस में टाइम से पहुंचा और हमारा जान भी बच गया, मतलब हमारा जान हमारा सिद्धांत दोनों का रक्षा किया है हसीना मलिक और उनकी टीम ने। हम पहले ऐसे मानता था कि लेडीज लोग जो है वो ए पुलिस ड्यूटी या टॉप जॉब के काबिल नहीं है, लेकिन हम गलत साबित हुआ। हम आज हम दिल से कहता है कि हर एक औरत समाज का परिवार का रक्षा करने के लिए पैदा हुआ है, इसलिए आज जो हम करेगा वो कमिश्नर या ऑफिसर के हैसियत से नहीं एक आम आदमी के हैसियत से करेगा। ये महिला पुलिस थाना के महिला हमारा सम्मान है, हमारा गौरव है। आज हम महिला पुलिस थाने का टीम और हसीना मलिक इनको सैल्यूट करेगा। जय हिंद जी। हम ऐसा है करिश्मा सिंह महिला पुलिस थाना से। मैम हमने कुछ नहीं किया मैम, वी आर इनोसेंट मैम। मम्मी की कसम। अम्मा क्या टोपा लोगो बे, हमने कहा तुमने कुछ किया, हमने कब कहा कि तुमने कुछ किया? अम्मा पूरा बात तो सुन लो। ऐसा बात है कि हमको पता लगा है कि आजकल जनता जो है आम जनता वो पुलिस से भय खाती है, उनसे डरती है, मतलब अपनी शिकायत नहीं ले जा पाती है पुलिस के पास। आप क्या कह रही है, हमें पुलिस से कोई शिकायत नहीं है मैम, हम पुलिस से डरते नहीं है मैम, हम तो पुलिस की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। तो हमने कब कहा कि नहीं करते हो, हम कब कह रहे हैं? हमने कहा बात तो सुन लो बे, बात सुन लो। बात ये है कि पता चला है कि आम जनता पुलिस से काफी डरती है, उनके पास नहीं जाती है, उनसे दूर भागती है। तो हम महिला पुलिस थाना ने एक नया कुछ प्रयास करने की कोशिश की है ताकि उनको पता चले कि जो पुलिस है वो जनता के लिए दिन रात काम करती है, उनकी दोस्त है पुलिस।
जनता में पुलिस को लेकर भरोसा बढ़े उसके लिए एक छोटा सा प्रयास किया महिला पुलिस थाना ने, एक कार्यक्रम है, ये देखिए ये स्टिकर। अभी पूरा वैलेंटाइन वीक है ना, हम सब चाहते हैं कि आप जो आम जनता है वो जब भी घर से बाहर निकले तो ये स्टिकर यहाँ लगा के निकले, ताकि जब आप बाहर जाएं और पुलिस को देखें तो पुलिस को ये संदेश मिले कि आप सब जो है पुलिस को उतना ही अपना मानते हैं जितना कि पुलिस जनता को अपना मानती है। हाँ, अब देखिए इकबाल बदामी दराओ, yes. ये देखिए आई लव लखनऊ पुलिस, तो ये आपको लगाना है, ये आपका है। और अगर हमने ये स्टिकर लगाया मैम, इसका मतलब ये होगा कि हम वैलेंटाइन डे मना रहे हैं और फिर पुलिस वाले हमें आवारा लफंगा समझ के धो डालेंगे। हम ये वैलेंटाइन डे नहीं मनाएंगे मैम, प्यार ही नहीं करते हम किसी से। हाँ। है ही नहीं हमारी कोई वैलेंटाइन। अरे नहीं, हमारा बात तो सुनो अमाओ, जय वीरू, बात तो पूरा सुनो। अरे हमारा जनता पुलिस मित्रता अभियान काहे खराब कर रहे हो बे? मैडम बोली तो पकड़ के लाए। बोल मैडम ऐसे। लगता है अब इतना आसानी से हमारा अभियान पूरा नहीं होगा, अब हमको अपना तरीका अपनाना ही पड़ेगा।